जहां एक तरफ कोरोना की मार लोग झेल रहे हैं तो वहीं अब मार्केट में दवाइयों की कमी भी होने लगी है, जिससे लोगों में अब दवाइयों की कमी का भय होने लगा है, जिसके चलते कल कई जगहों पर देखा गया कि जरूरी दवाइयां शहर में नहीं मिल रही हैं, जिससे लोग काफी परेशान होते नजर आए। इस विषय पर मेडिकल संचालकों का कहना है कि लॉकडाउन लगने के चलते ट्रांसपोर्टिंग कम हो रही है, तो वहीं कोरोना के इलाज में उपयोग होने वाली कुछ दवाओं की शॉर्टेज हो गई है, तो वहीं कुछ लोगों के द्वारा एक्स्ट्रा दवाइयाँ खरीद कर लोगों ने रख ली है, तो वहीं दवाइयों की शॉर्टेज का एक यह भी कारण हो सकता है। सर अब ये तो मैं बता नहीं सकता कितना क्या चल रहा है, पर तो भी यहाँ पार्टिकुलर काफ़ी मेडिसिन हैं जो कि मतलब कोरोना में यूज़ हो रही हैं और जो कि मतलब शॉर्ट चल रही हैं। हाँ सर, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह के शॉर्टेज है, थोड़ा बहुत म्यूसिनेक वगैरह का शॉर्टेज है सर। बी कॉम्प्लेक्स वगैरह जी नहीं, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह तो सर हाँ नहीं सर, मेरे को 2 साल हो चुका है शॉप ओपन करे। मैंने पहली बार मतलब देखा है कि इतना ज़्यादा महामारी और इतना ज़्यादा मेडिसिन का डिमांड भी और शॉर्टेज भी, दोनों चीज़ का मैंने पहली बार देखा है और पहली बार अनुभव भी है मेरा कि इतना मतलब कोरोना की वजह से, इतना महामारी फैलने की वजह से इतना दिक्कत जा रही है लोगों को। कितनी दवाई